हिमाचल की जनता ने बदलाव का मन बना लिया है, परिवर्तन का मन बना लिया, वहाँ से उनको भाजपा सरकार हटानी है, इसलिए हम चारों उपचुनाव जीते जिसमें 3 विधानसभा और 1 लोकसभा। लोकसभा का चुनाव हम जो जीते वो बीजेपी का सिटिंग एमपी था, वहाँ से वो सीट जीतना जो है बहुत मायने रखता है क्योंकि वोट केंद्र सरकार के खिलाफ हुआ, और तीनों विधानसभा का वोट जो है राज्य सरकार के खिलाफ हुआ, तो और वो मुख्यमंत्री का गृह जनपद भी था। तो इस तरह से ये तीनों सीटें जीतना, विधानसभा के और लोकसभा भी जीतना, अब विपक्ष में रहते हुए बड़ा कठिन काम था यह, क्योंकि वहाँ 70 पार्टी और पिछले 70% वोट शेयर बीजेपी का था लोकसभा चुनाव में, वो सब हट के और फिर कांग्रेस को उसके ऊपर मिलना, इसका मतलब कि लोगों ने बीजेपी के खिलाफ खुलकर वोट दिया, क्योंकि जो है लोगों का मन जो है चाहे महंगाई हो, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे विकास के अधूरे काम हो और चाहे इनका व्यवहार हो, इन सबको देख के लोग नाराज हैं और लोग बदलाव चाहते हैं। उसकी वजह एक तो लोगों में आक्रोश है भाजपा के प्रति, किसान परेशान है, युवा परेशान है, महिलाएं परेशान है, आम जनता महंगाई को लेकर परेशान है, विकास के काम कुछ है नहीं, सिर्फ प्रचार है। प्रचार को कितने दिन तक आप चलाओगे, प्रचार लंबा तो चल नहीं पाता, इसलिए लोग जो है नाराज हैं और लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया।